तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का फिर स्वागत है एक हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एमएस वर्ड की एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं, हो सकता है आपके लिए अभी तक ना पता हो, तो आपके लिए करना इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर चैनल पर नए भी बड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्रेस नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। तो दोस्तों, एमएस वर्ड की ट्रिक वो ये है कि अगर आप कोई भी शॉर्ट नेम लिखेंगे और आप उसे शॉर्ट नेम से फुल नेम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, इससे दोस्तों अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आप ऐसा नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले करना है आपके लिए, यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ से लिखता हूँ APJ। APJ लिखने के बाद दोस्तों मैं अपने कीबोर्ड में F3 जो है वो प्रेस करता हूँ, तो मैं यहाँ से F3 प्रेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों APJ जो है नाम है उसका फुल नेम लिख के आ गया है, अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। इसी टाइप से दोस्तों आप कोई भी नाम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपके लिए बता दूँ। जैसे दोस्तों अगर आप कोई भी नाम लिखना चाहते हैं, जैसे दोस्तों अगर आप नेताजी लिखना चाहते हैं तो आपके लिए करना है पहले सुभाष चंद्र नेताजी का पूरा नाम लिखना है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ सुभाष चंद्र बोस, या दोस्तों आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दीजिएगा। तो मैं यहाँ से नेता जी सुभाष चंद्र बोस मैं यहाँ से लिख देता हूँ। इसे दोस्तों मैंने यहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखा। अगर आप इसको दोस्तों शॉर्टकट से लिखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से नेताजी सिर्फ लिखूँ और F3 प्रेस करूँ तो उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑटोमेटिक दोस्तों लिख के आ जाए, तो उसके लिए आप लिख करना है आपके लिए इसको पहले कॉपी करना है। तो मैं Ctrl+A करता हूँ, ये दोस्तों सारा कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद अब दोस्तों आपके लिए अपने MS Word में इंसर्ट पे जाना है। तो इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपके लिए क्यूब पार्ट। दोस्तों आपके लिए ध्यान से देखना है, आप क्यूब पार्ट पे जाएंगे। क्यूब पार्ट पे जाने के बाद अब दोस्तों आपके लिए यहाँ से मिलेगा एक देखने के लिए सेव सिलेक्शन टू क्यूब पार्ट गैलरी, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आगे दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो आपके लिए करना है यहाँ से सिर्फ आप जो भी शॉर्ट से आप इस नाम को लेना चाहते हैं आप लिखेंगे। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, नेताजी सिर्फ रहने देता हूँ और फिर यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो ओके किया मैंने, पहले इस नाम को हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ नेताजी, तो मैं दोस्तों सिर्फ नेताजी यहाँ से लिखूंगा। नेताजी लिखने पर दोस्तों मेरा नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरा आ जाएगा। तो नेताजी मैंने किया और F3 प्रेस किया, तो यहाँ देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑटोमेटिक ही लिख के आ गया है। तो इस टाइप से दोस्तों आप भी शॉर्टकट नेम डालकर फुल नेम ले सकते हैं MS Word में। तो आपके लिए तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।